ये क्या भाभी, मैं तो समझ रही थी अब आप यहीं रहेंगी, पर आप तो जा रही हैं। मेरा जाना बहुत जरूरी है मम। भाभी आपका यहाँ रहना भी बहुत जरूरी है, प्लीज आप मेरी बात मान ले, हम साथ मिलकर रहते हुए सब ठीक कर लेंगे। हम पहले भी तो साथ रह के दिख चुके हैं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और अब आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे? फरमान ने धमकी दी है मुझे, उसने कहा है कि वो मोहल्ले की कमेटी के लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ शोर शराबा करेगा, इस बच्चे को नाजायज साबित करके वो मुझे बदनाम करेगा, और पूरा उसने बंदोबस्त कर लिया हमें घर से निकलवाने का। लेकिन ये बच्चा नाजायज नहीं है, वकार भाई भी जानते हैं ये बात, फिर आपको उस फरमान से खौफजदा होने की क्या जरूरत है? मैं फरमान से नहीं डर रही, मैं तो बस ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अगर वहां पे लोग इकट्ठे हो गए और ऐसे में अम्मी अकेली हुई तो वो परेशान हो जाएंगी, मुझे होना चाहिए उनके साथ। अच्छा चले ठीक है, पर आप अम्मी से तो मिल लें, वो आपके लिए परेशान होती रहती है और आपको याद करती रहती है हर वक्त। हाँ चलो उनसे मिलते। अच्छा चले भाभी आप अम्मी से तो मिल लें। यकीनन यहां आते हुए उस जादूगरनी को देखा है, उसका सहर तुम्हारी आंखों, तुम्हारे चेहरे पर वाजे महसूस हो रहा है। उसे तुमने बाहर क्यों नहीं निकाला? वकार मैं कुछ पूछ रही हूं। मैं कोई तमाशा नहीं चाहता जूबी, प्लीज। मुझे अंदाजा था तुम्हारी नजर उसके मासूम चेहरे पे पड़ेगी तो तुम अपना आप तक भूल जाओगे, लेकिन एक बात बता दूं, वो लड़की फिर से इस घर में नहीं रह सकती, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो फिर मुझे बताओ तुम उसे निकाल रहे हो या नहीं?